जिंदाबाद, गोरचाप 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 गोरचाप। और इस पार्टी के सब कुछ यही है। और एमएलसी अमरदार साहब, मुदसर साहब, जावेद कुरैशी साहब, जितने भी साथी हमारे यहाँ हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम साथियों को सलाम पेश करता हूँ अपनी तरफ से। मेरे अजीज साथियों, आप बखूबी वाकिफ हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ये इसलिए सबसे बड़ी पार्टी है कि इन्होंने इस गरीब आवाम की छोटी सी छोटी चीज को नोटिस करके इन गरीबों के हक दिलवाए हैं। पार्टी की बात बोले जो हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 7 साल में किया है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनका बहुत जबरदस्त होता है। हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के इस रैली में हमारे जम्मू कश्मीर के मार्गदर्शक श्रीमान अशोक कोल जी मंच पे बैठे, हमारे सीनियर लीडर मीर साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी, जिले के अध्यक्ष रहमान साहब, प्रभारी अनवर साहब, जावेद साहब, इस नॉर्थ कश्मीर के इंचार्ज मुदसर वानी साहब, आप अलग अलग गांवों से सरपंच, पंच, हमारे वर्कर्स, बहनों भाइयों, प्यार भरा सलाम। पुणे से पहले जब उनके जमाई राजा क्यों जामतुर साहब इतिमन गांव वाले खोते कि एक प्रॉपर्टी क्या करो, तो हु मकान, हु दुकान, हु जमीन, हु बिल्डिंग, ये सेम दुनश चारों गए फारूक साहबस। अस क्या वो लोग चारवाय कमिस वो लोग बुझा समझ सभा मैदिन सभा चारवाय वो एम सी गए फिक्र तर कि इंटेंट क्या हो। अशोक कोल साहब, उनके साथ हमारे एक्स एम एल सी सुरेंद्र अंबरदार साहब, मीर साहब, अनवर साहब, अब्दुल रहमान लोन साहब, जरगर साहब, हमारे युवा नेता शाह साहब, कुरैशी साहब, बहुत सारे हैं, सबके नाम लूँगा तो यहीं पर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना बड़ा एक जलसा रखा है। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, ना ही लंबी तकरीर करता हूँ, लेकिन 2-4 बातें मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी जम्मू कश्मीर की बात होती है और खासकर कश्मीर की बात होती है, तो कश्मीर में जो पिछले 30 साल से जो कत्लोगारत चल रही है, जो खून खराबा हो रहा है, एक बार जरूर पता होना चाहिए कि इसका कसूरवार कौन है। तो आगे से जब कभी कोई ऐसी चीज होगी तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे, कोई ना कोई सगा संबंधी जरूर खोया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जरूर खोजिए कि कसूरवार कौन था। क्या भारतीय जनता पार्टी थी? बिल्कुल नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या किसी भी जमात के नाम ले लीजिए, आप गरीब कश्मीरियों के खून के साथ रंगे हुए हैं। केवल एक पार्टी है जिसके नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, ये एक बहुत बड़ी बात है। ई श्रम कार्ड बनाते ही 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। खुदा ना करे कुछ हो जाए तो उसको 2 लाख का इंश्योरेंस होगा। ई श्रम कार्ड जिसका बना है वो जरा हाथ खड़े यहां करे, जिसका ई श्रम कार्ड बना, जिसका नहीं बना है 50 साल से नीचे बनाए, यहां कैंप लगाए, कैंप लगाकर उसे ई
राशन कार्ड को करे। मैं यहाँ से इस मन से इस बात को सरकारी दफ्तर सरकारी अफसरों से भी गुजारिश करूंगा कि हर एक का ही श्रम कार्ड बन जाए। साथियों, किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6 साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। आप में से जिनको 6,000 रुपए मिलते हैं वो हाथ खड़ा करें, दुनिया को मिलते 6,000 रुपए आपको मिलते ई श्रम कार्ड। ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे बताया गया, यहां से मुझे कई फोन आए कुपवाड़ा से कि यहां के अफसर, मैं स्टेट से उन सब उन अफसरों को आगाह करना चाहता हूं कि संभल जाओ, मोदी जी ये ज़कात टाइप देते हैं सरकार का लोगों को, आप इस ज़कात में से भी उनको मांगते हैं पैसे, 20,000 दे दो तब हम आपको पैसे देंगे, ये बहुत गलत बात है। हमारे अभी होम मिनिस्टर साहब ने हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक सर्टिफिकेट दी कि हमारी सरकार करप्शन फ्री सरकार है, लेकिन मेरे कुपवाड़ा में अभी भी करप्शन होता है। मेरा कोई अफसर उसको 20,000 रुपया मांगता है, उसको समझ जाना चाहिए अगर वो 20,000 रुपया उसको मांगता है। और ये बजट की कॉपी मेरे पास है, मैं यहाँ सरकारी अफसरों को भी बताना चाहूंगा, ये बजट की कॉपी है। इस बजट की कॉपी में कल ही बजट पास हुआ है, श्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पास किया, इसमें 54,000 प्रधानमंत्री आवास योजना केवल और केवल जम्मू कश्मीर में बनने वाला है, उसके लिए पैसे आवंटित किया गया है। उसके बाद भी जो उसके लिए हकदार है उसको मिलना चाहिए, जो हकदार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।